अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जरीन खान। मेरे चैनल सेट के यूनिक कुकिंग में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं एक चाट वाली रेसिपी। चाट तो हर किसी को बहुत ही फेवरेट होता है। आज हम उसी में से एक डिश बनाएंगे जिसका नाम है दही बड़े। दही बड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली हूँ एक कप उड़द की दाल, एक कप मूंग की दाल। ये व्हाइट उड़द की दाल है, ये इसका छिलटा निकाल कर ये धुली हुई होती है, ये छिलटा निकली हुई दाल होती है। ये मैंने ली हूँ एक कटोरी। और ये मूंग की दाल है, इसे भी मैंने एक कटोरी ली हूँ। अब हम इसे 2 से 3 पानी के साथ अच्छे से वॉश करके ओवरनाइट सोक करके रखेंगे, या फिर अगर आपको टाइम नहीं हो तो आप इसे 5 से 6 घंटे के लिए भी भिगा कर रख सकते हैं, सोक करके रख सकते हैं। आइए अब हम इसे वॉश करके बताते हैं। ये देखिए, हमने दाल को सोक करके रखा तो ये फूलकर डबल हो चुकी है। अब हम इसे ग्राइंडर जार में डालकर अच्छे से बिना पानी के पीस लेना है। मैं आपको पीस कर दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारी दाल फाइन पीस चुकी है। हमने इसे कितना फाइन पीसा है देख सकते हो आप। और इसे मुझे पीसने के लिए, ग्राइंड करने के लिए 1/2 कप पानी की जरूरत पड़ी थी और मैंने इसे अच्छे से फाइन पीस लियो। अब हमें इसके बाद इसे एक विस्क की मदद से या फिर एक स्पैचुला की मदद से इसे इतनी देर तक विस्क करना है या फिर इसे हिलाते रहना है कि इसमें हमें एयर आनी चाहिए। इस आटे के अंदर हमें एयर क्रिएट करना है, जिसकी वजह से हमारे जो दही बड़े होते हैं वो फ्राई करने के बाद बहुत ही सॉफ्ट बन जाते हैं। हमें इस आटे को अच्छे से मिक्स करते हुए हिलाना है। अब मैं आपको इसे बीट करके बता। ये देखिए, हमने हमारे आटे को अच्छे से बीट कर चुके हैं और ये इतना फ्लफी हो चुका है कि मैं आपको दिखाती हूँ। आप कैसे पता करोगे कि आपका आटा परफेक्ट बीट हुआ है कि नहीं, तो मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से हम एक स्पून को पानी में डिप करके थोड़ा सा बैटर पानी में डालेंगे और हमारा बैटर जो है वो पानी में इस तरह से फ्लो होना चाहिए, पानी के ऊपर तिरना चाहिए, पानी के नीचे बैठना नहीं चाहिए। अगर हमारा जो बैटर है वो अगर पानी के नीचे बैठ जाता है तो इसका मतलब हमें इसे अब और बीट करते रहना है। जब तक हमारे बैटर में इतनी एयर नहीं आती कि हमारा बैटर पानी के ऊपर तिर रहा है, तब तक हमारा बैटर सही से बीट नहीं हुआ है। अब आइए हम इसमें सॉल्ट ऐड करते हैं। सॉल्ट मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून ली हूँ, टेबलस्पून। आप जितना चाहे आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और ये ली हूँ मैंने 1 पिंच ऑफ खाने का सोडा, मीठा सोडा जी जिसे बोलते है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। आइए अब हम इसे फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई, एक पतीला गैस पे ऑयल के साथ गर्म के लिए रख चुकी है और हमारा ऑयल अच्छे से हीट कर रहा है। अब हम इसे फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए हमें एक बाउल में पानी लेना होगा। पानी में हमारा हाथ डिप करके और इसके हमें छोटे छोटे बाउल ऐसे हाथ में उठा के और इस तरह से डालने होंगे। तेल हमारा मीडियम हाई होना चाहिए। बहुत ज्यादा गर्म हुआ तो वो फौरन ही जलने लगेंगे। इस तरह से हमें छोटे छोटे इसे डालते जाना। ये देखिए, हमारे बड़े कितने अच्छे से फ्राई हो रहे। हमें इसे और थोड़ा सा डार्क करना है क्योंकि हम इसे अभी पानी में डालेंगे। पानी में डालने के बाद इसका कलर जो है वो एक स्टेप लाइट हो जाता है। हमें थोड़ा सा और एक डार्क शेड चाहिए। इसके लिए अब हम इसे और 1 मिनट तक हिला लेंगे और पका लेंगे। ये देखिए, हमने दही बड़े हमारे फ्राई कर चुके हैं और ये कितने क्रिस्पी बने मैं आपको बताती हूँ। आपको आवाज आ रही होंगी और ये अंदर से भी कितने खुसखुसे और कितने सॉफ्ट बने आप देख सकते हो। इस तरह से मैं और एक बता रही थी, ये देख सकते हो आप कितने सॉफ्ट क्रिस्पी और अंदर से कितने सॉफ्ट है, ये देख सकते हो आप। अब हम इसे एक पानी के बॉल में था, इसमें हमने एकदम चिल वाटर लिए। अब हम इसे इसमें डिप कर देंगे। हमें सभी बड़ों को इसमें डिप करके 2 से 3 मिनट तक रहने देना है। ये देखिए, हमारे दही बड़े पानी में अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसे इस तरह से हल्के हाथ से दबाते हुए, प्रेस करते हुए हल्के हाथ से हमें सभी पानी में से निकाल लेने दही बड़े। आइए हम सभी बड़ों को निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमने सभी दही बड़ों को निकाल लिए। अब हम इसे गार्निशिंग करते हैं। गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पे ली हूँ दही। दही मैंने फिक्का वाला 200 ग्राम ली। उसमें पानी बहुत ही कम होता है। अगर आपके दही में पानी है तो आप उसे एक किचन टॉवल में डालकर या फिर एक रूमाल में, मलमल के कपड़े में डालकर उसे बांधकर थोड़ी देर रख सकते हैं। उसका सारा पानी निकलने दीजिए और जब पानी निकल जाएगा उसमें शुगर ऐड करके
उसे मिक्सर में चला लीजिए। हमें ये दही मीठा करना है और इसे ठीक रखना है। यहाँ पे ली मैंने आलू भुजिया। आलू भुजिया की जगह व्हाइट पीली सेव भी ले सकते हो बारीक वाली। ये ली मैंने धनिया पुदीने की चटनी। ये ली मैंने मीठी इमली की चटनी। यहाँ पे ली मैंने रेड चिल्ली पाउडर और कुछ चाट मसाला। अब हम इसे गार्निश करते। सबसे पहले हम इसपे दही ऐड करते। अब हम इसपे इमली की चटनी थोड़ी थोड़ी करके डालते हैं। ये देखिए मैंने इमली की चटनी भी डाल दी हूँ। अब हम थोड़ी सी धनिया की चटनी डालते हैं। अगर आप फिर टिक्का नहीं खाते तो आप इसे बच्चों के लिए इस बिना धनिया चटनी के भी दे सकते हैं। रेड चिल्ली पाउडर भी स्किप कर सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी होते हैं। अब हम इसपे हल्का सा चाट मसाला स्प्रिंकल करते हैं। अब रेड चिल्ली पाउडर और लास्ट में आलू भुजिया। आप आलू भुजिया की जगह पे पीली सेव भी ले सकते हैं बारीक वाली। ये देखिए हमारा चाट रेडी हो चुका है। ये देखिए हमारी रेसिपी, हमारा चाट दही वड़े वाला बिल्कुल रेडी है। और ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे रेसिपी को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली सभी रेसिपी आपको फ्री में और सबसे पहले देखने मिले। चलती हूँ, तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में जरूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।